राजस्थान के समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र फौजदार गुरु कृपा क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको राजस्थान का इतिहास प्रारंभ करवाया और राजस्थान के इतिहास की कल जो रूपरेखा मैंने आपको बताई थी और राजस्थान के इतिहास में पिछले पार्ट में हम जहाँ से स्टार्ट किया है वो राजस्थान का राजपूत काल हमने प्रारंभ किया था। और कल मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत बताए थे। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम कल पिछली वीडियो से आगे का जो पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने आपको लास्ट में छोड़ा था कि चौहान वंश एवं उसकी शाखाओं पर, कि चौहान वंश एवं उसकी शाखाएं कहां कहां से कैसे कैसे चौहान वंश विस्तृत हुआ था और उसने अपना राज्य विस्तार किया था और कौन कौन सी शाखाओं में चला था। तो जिन भाइयों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो हैं चौहान वंश है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि चौहान वंश की जो सबसे प्राचीन, जहाँ से ये चौहान वंश प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो था सामर में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर सामर यानी प्राचीन नाम जो था वो सपातलक क्षेत्र था, इसके बारे में आज हम गहनता से अध्ययन करेंगे। सामर से फिर चौहान वंश की शाखाएं हुई, तो पहली जो शाखा निकली थी दोस्तों वो 960 ईस्वी में नाडोल में पहुंची थी। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में यहाँ चौहान वंश की नींव डाली थी 960 में, और 1113 ईस्वी में अजमेर में अजयराज चौहान ने एक चौहान वंश की एक नई शाखा डाली थी। उसके बाद दोस्तों नाडोल की जो चौहान शाखा थी, उसके बाद फिर यहाँ से तीन शाखाएं हुई, जैसा कि मैं पिछले पार्ट में आपको बता चुका कि नाडोल के चौहानों की फिर तीन शाखाएं चली, जैसे जालौर के चौहान जहां 1181 में कीर्तिपाल चौहान या कीतु चौहान ने इसकी स्थापना की थी, और इतिहास में यहां के चौहानों को सोनगरा चौहान के नाम से जाना जाता है। शिवाणा के चौहान ये भी यहीं की शाखा में से थे। और तीसरी एक शाखा थी बूंदी के हाड़ा चौहान, जो 1241 ईस्वी में देवा हाड़ा के द्वारा यहाँ बूंदी में इसकी स्थापना की गई थी। एक और शाखा जालौर के चौहानों की से, यहाँ सिरोही में चौहान वंश की शाखा हुई थी, और सिरोही में 1311 ईस्वी में लुम्बा चौहान ने सिरोही में चौहान वंश की नींव डाली थी। और उधर दोस्तों अजमेर के जो चौहान थे वहाँ से एक शाखा निकली 1194 ईस्वी में रणथम्भौर में, और रणथम्भौर में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज चौहान के द्वारा रणथम्भौर में चौहान वंश की नींव डाली गई थी। तो दोस्तों ये था चौहान वंश की उस अन्य शाखाएं और पूरा का पूरा वंश। आज हम प्रारंभ करेंगे सामर के चौहानों से और धीरे धीरे करके हम सभी शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सामर के चौहान से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें चौहान वंश सामर, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न आने के चांसेज होते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, एंड तक देखें, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। तो ध्यान दें दोस्तों, यहां पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चौहान वंश, और चौहान वंश कहां का प्रारंभ करेंगे दोस्तों, तो जिस प्राचीनतम जो शाखा है वही से प्रारंभ करेंगे, चौहान वंश सामर। ठीक है दोस्तों, अब हम सामर यहाँ के चौहानों को ही आगे बढ़ाएंगे, फिर इनकी शाखाएं आगे बढ़ती हुई चलेंगी। दोस्तों यहाँ सामर या मैं कह सकता हूँ प्राचीन जो नाम था वो था सपातलक्ष क्षेत्र, सामर का प्राचीन नाम था, इसको हमें ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर सामर में चौहान वंश की स्थापना, तो चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, तो ध्यान देना यहाँ पर, चाहे तो वो संस्थापक पूछ सकता है दोस्तों, संस्थापक ना पूछे तो चौहानों का आदि पुरुष पूछ सकता है, आदि पुरुष मूल पुरुष भी दे सकता है, ध्यान रखना है, कुछ भी देकर आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है। चौहानों का आदि पुरुष कौन है, चौहानों का मूल पुरुष कौन है, और चौहानों का प्रथम पुरुष कौन है, प्रथम पुरुष, सब एक ही है, ये ध्यान रखना है, एक ही आंसर होगा इस सबका, कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, आदि पुरुष, मूल पुरुष, प्रथम पुरुष। तो दोस्तों चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष और प्रथम पुरुष के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो इसके संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान।
वासुदेव चौहान को चौहान वंश का मूल पुरुष माना जाता है या प्रथम पुरुष या संस्थापक माना जाता है। दोस्तों अगर हम समय के बारे में बात करते हैं कि इस चौहान वंश की नींव कब डाली गई थी, तो वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की जो नींव डाली थी वो डाली थी 551 ईस्वी में। कब डाली है? 551 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है आपको कि 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली गई थी। अगर हम यहां पर इनके मूल राज्य के बारे में बात करें कि सामर जो चौहानों का जो मूल राज्य था, तो चौहानों का जो मूल राज्य माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है सपादलक्ष्य क्षेत्र। सपादलक्ष्य क्षेत्र जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में कहते हैं सामर, ठीक है ना, सामर। इसी सामर में वासुदेव चौहान के द्वारा, ध्यान रखना है, इसी सामर में या इसी क्षेत्र में वासुदेव चौहान के द्वारा एक झील का निर्माण भी करवाया गया था और वो झील मानी जाती है, कौन सी झील? सामर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है सामर झील। सामर झील के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? वासुदेव चौहान ही माने जाते हैं। इस झील के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि ये झील वैसे कृत्रिम झील भी मानी जाती है, लेकिन बिजौलिया शिलालेख, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिजौलिया शिलालेख के अनुसार ही चौहानों ने स्वयं को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा था, तो उस बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, ध्यान रखना है यहां पर बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील के जो प्रवर्तक माने जाते हैं या निर्माता माने जाते हैं वो वासुदेव चौहान माने जाते हैं। जबकि वास्तविक स्थिति में अगर सामर झील देखी जाती है तो सामर झील एक कृत्रिम झील है, वो प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है कि कई सारी नदियों का पानी आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है सामर झील में, लेकिन इस शिलालेख के अनुसार सामर झील के निर्माता माने जाते हैं वासुदेव चौहान। इसी झील के किनारे वासुदेव चौहान ने देव यानी तीर्थ स्थल का निर्माण भी माना जाता है, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि देव यानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, तो देव यानी जो तीर्थ स्थल है वो भी यानी कहाँ पर ही स्थित है, सामर झील पर ही स्थित है, तो इसका निर्माण भी वासुदेव चौहान के द्वारा ही करवाया गया था। दोस्तों अब वासुदेव चौहान का इनका मूल राज्य तो हमने देख दिया कहाँ पर है, सपादलक क्षेत्र सामर में है, लेकिन जब मूल राज्य था तो इनकी कोई ना कोई राजधानी भी रही होगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी, ये आपको प्रत्येक वंश की याद रखनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी। तो दोस्तों चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी रही अही छत्रपुर। क्या रही? अही छत्रपुर। और जिस तरीके से सपादलक्ष क्षेत्र को वर्तमान में सामर कहा जाता है, उसी प्रकार से अही छत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अही छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अही छत्रपुर। सामर का प्राचीन नाम क्या है? सपादलक्ष क्षेत्र के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर नागौर मानी जाती है, और ये सब इसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो कौन से शिलालेख में मिलता है? बिजौलिया शिलालेख में हमें मिलता है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हर्षनाथ अभिलेख, ठीक है, कि हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार, यहां पे ध्यान रखना है आपको, हर्षनाथ अभिलेख, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की राजधानी या प्रारंभिक राजधानी क्या मानी जाती है, तो ध्यान रखना है हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की जो राजधानी मानी गई वो मानी गई थी अनंत प्रदेश। ध्यान रखना है, ये अनंत प्रदेश, ये जो अनंत प्रदेश था दोस्तों, ये सीकर के आसपास का जो क्षेत्र था, उस सीकर के आसपास के क्षेत्र को अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर नागौर इस शिलालेख के अनुसार मानी गई है, जबकि हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार इनकी जो राजधानी मानी गई है ये अनंत प्रदेश को माना गया है। जबकि हम्बीर महाकाव्य, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें हम्बीर महाकाव्य की और सुरजन चरित्र की, कि हम्बीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है, सुरजन चरित्र ग्रंथ, हम्बीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र ग्रंथ के अनुसार
इन चौहानों की जो उत्पत्ति मानी गई है, चौहानों की जो जन्मभूमि हम कह सकते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति व चौहानों की जो जन्मभूमि है वो पुष्कर को माना गया। किसको माना गया है? पुष्कर को। तो यहां ध्यान देना यहां पर कि इस ग्रंथ के अनुसार चौहानों की जो जन्मभूमि मानी गई है, चौहानों की जन्मभूमि किसे माना गया है? पुष्कर को माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये संस्थापक हो जाते हैं चौहान वंश शामर के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दोबारा देख लें क्योंकि यहां से आगे हम शामर के कुछ महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे, क्योंकि सीधा हमें अधिकांशतः जो पुस्तकें हैं या अधिकांशतः जो क्लास वर्क होता है वो सीधा यहां के बाद हम सीधे ही अजमेर के चौहानों पर चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीपली लेके चलूंगा क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं जिनमें सबसे प्रमुख जो परीक्षा है वो पटवार की है, और पटवार की जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें बहुत डीपली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरा मतलब है कि आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और डीपली लेके चलना है। तो आप तैयार रहें और अच्छे से आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। तो यहाँ चौहान वंश सामर सपादलक क्षेत्र संस्थापक या मूल पुरुष या प्रथम पुरुष या आदि पुरुष पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है? वासुदेव चौहान। समय अगर पूछा जाता है तो 551 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर इनका मूल राज्य पूछा जाता है तो सपादलक क्षेत्र सामर हो गया। सामर में ही यानी इस बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का प्रवर्तक भी वासुदेव चौहान को माना जाता है। वैसे ये प्राकृतिक झील मानी जाती है। इसी झील के किनारे तीर्थों की रानी देवयानी तीर्थ स्थल भी स्थित है। इनकी प्रारंभिक राजधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है, लेकिन हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार इनकी जो राजधानी है वो सीकर के पास आसपास का जो क्षेत्र था अनंत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वो इस अभिलेख के अनुसार इनकी राजधानी मानी गई है। वहीं पर अगर हम वीर महाकाव्य और सृजन चरित्र आदि ग्रंथों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो चौहानों की जो जन्मभूमि मानी गई है वो पुष्कर को माना गया है। अब दोस्तों वासुदेव चौहान के बाद अब सामर के प्रमुख चौहान शासकों के बारे में हम छोटी छोटी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से शासक हैं लेकिन वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो वह आपको अधिकांशतः क्लासरूम वर्क में नहीं कराया जाता है या फिर जो पुस्तकें हैं उनमें भी सीधा हटा दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे यहां पर सामर के शासकों के बारे में, सामर के चौहान शासक। ठीक है, प्रमुख चौहान शासकों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो संस्थापक हमें पता ही है कि संस्थापक हमने किसको पढ़ा है अभी, तो नंबर एक जैसे हम प्रमुख शासकों में सबसे पहले संस्थापक हम पढ़ चुके हैं वासुदेव चौहान को। ठीक है, अब वासुदेव चौहान के बाद के अगले जो शासक हैं जो सामर के गद्दी से चले, सामर के साम्राज्य से आगे बढ़े, शाखाएं अलग होंगी वो अलग पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी हम कहाँ पढ़ेंगे? सामर के बारे में। तो दोस्तों वासुदेव चौहान के बाद अगर हम यहाँ पर एक अगला महत्वपूर्ण शासक पढ़ते हैं तो वो आता है दुर्लभ राज चौहान प्रथम। ठीक है, तो दुर्लभ राज चौहान प्रथम। ठीक है दोस्तों, अब दुर्लभ राज चौहान प्रथम कहां के शासक हैं? सामर के चौहान शासक हैं। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसा कि कल मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया था, तो इसमें मैंने एक चीज और आपको बताई थी पिछली वीडियो में, आप जाकर देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख जो राजपूत वंश हैं उनमें सबसे प्राचीन वंश मैंने आपको बताया था कौन सा? गुर्जर प्रत्याहार वंश। कि सबसे प्राचीन जो वंश माना जाता है वो प्रत्याहार वंश माना जाता है। तो अधिकांशतः जो रियासतें हैं, अधिकांशतः जो वंश हैं ना दोस्तों, तो प्रारंभिक अवस्था में वो प्रत्याहारों के यहाँ रहेंगे। ठीक है, कि गुर्जर प्रत्याहारों के यहाँ कोई सामंत के पद पर रहेगा या उनके अधीन में रहेंगे, और धीरे धीरे करके वो फिर समय आने पर अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करेंगे। तो अब यहाँ हमें ध्यान देना है सामर के चौहानों में तो कौन शासक? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बाद अन्य एक महत्वपूर्ण शासक है दुर्लभ राज चौहान प्रथम। अब दोस्तों दुर्लभ राज चौहान प्रथम है ये गुर्जर प्रत्याहार शासक था नागभट्ट, और नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ये किसके सामंत थे? प्रत्याहार शासक नागभट्ट द्वितीय, ध्यान रखना है। अब प्रत्याहार शासक है नागभट्ट द्वितीय, तो ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ध्यान रखना है कि ये जो थे दुर्लभ राज चौहान प्रथम, ये गुर्जर प्रत्याहार शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे, और नागभट्ट द्वितीय ने इन्हें एक उपाधि दी थी,
और इस दुर्लभ राज चौहान को नागभट्ट द्वितीय ने किसकी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? वो सॉरी यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, दोबारा देखें इसको। वासुदेव चौहान हो गए संस्थापक, ठीक है। उसके बाद हम किसको पढ़ रहे हैं? दुर्लभराज चौहान प्रथम को। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासक थे बत्सराज, नागवट द्वितीय नहीं करना है, थोड़ा सा मिस्टेक है वहां पे, सॉरी उसके लिए। कि दुर्लभराज चौहान प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक थे बत्सराज, और बत्सराज जो थे बत्सराज के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका, ये प्रश्न ध्यान रखना है कि गुर्जर प्रतिहार शासक बत्सराज के अभियानों में, बत्सराज के अभियान और बत्सराज के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चौहान शासक कौन थे? तो ध्यान रखना है दुर्लभराज चौहान। दुर्लभराज चौहान ने गुर्जर प्रत्यार शासक बत्सराज के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये प्रश्न आपको यहां से ध्यान रखना है। दुर्लभराज चौहान के बाद यहां पर एक अगला जो चौहान शासक हुआ वो शासक हुआ दोस्तों गूबक प्रथम। कौन हुआ? गूबक प्रथम। अब देखना यहां से, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न आ चुका है। गूबक प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो गूबक प्रथम था ये दुर्लभराज चौहान का पुत्र था। किसका पुत्र था? दुर्लभराज चौहान का पुत्र था, ठीक है। कि दुर्लभराज चौहान का पुत्र था और इस गूबक प्रथम जो था, ये गूबक प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, यानी ये बत्सराज, बत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि गूबक प्रथम किसका पुत्र है? दुर्लभराज चौहान प्रथम का है, नागभट्ट द्वितीय का कौन है? सामंत है। और नागभट्ट द्वितीय ने गूबक प्रथम को कौन सी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि। ये ध्यान रखना है कि वह चौहान शासक जिसे नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी थी, तो वीर की उपाधि किसे दी गई है? गूबक प्रथम को दी गई है। इस गूबक प्रथम ने, ध्यान रहे दोस्तों, गूबक प्रथम ने सीकर में गूबक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? हर्षनाथ मंदिर, ठीक है। गूबक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये जो हर्षनाथ जी हैं, ये हर्षनाथ जी चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि चौहानों के कुल देवता, और चौहानों के कुल देवता कौन माने जाते हैं? तो चौहानों के जो कुल देवता माने जाते हैं वो हर्षनाथ जी माने जाते हैं। और सीधा सा प्रश्न आता है, सीकर में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सीकर में हर्षनाथ के मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो किसके द्वारा करवाया गया है? गूबक प्रथम के द्वारा। अब दोस्तों यहां ध्यान देना, चौहानों के कुल देवता हो गए हर्षनाथ। अगर यहीं पर प्रश्न आ जाता है चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, और चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ हो गए, और चौहानों की कुल देवी, तो ध्यान रहे दोस्तों जीड़ माता, ठीक है, कि जीड़ माता को चौहानों की कुल देवी माना जाता है। दोस्तों यहां गूबक प्रथम के बाद यहां तीसरा जो अन्य शासक हुआ, तो गूबक प्रथम के बाद यहां एक शासक हुआ था गूबक द्वितीय, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण शासक ही हम पढ़ेंगे, सभी शासकों के बारे, छोटे छोटे शासकों को नहीं पढ़ना है। गूबक द्वितीय, यहां पर गूबक द्वितीय शासक हुआ, और गूबक द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि ये जो गूबक द्वितीय था, इस गूबक द्वितीय ने अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, गूबक द्वितीय ने अपनी जो साम्राज्य था या अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी बहन कलावती का जो विवाह था वो कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज के साथ किया था। तो ये ध्यान रखना है कि इसने अपनी बहन, अपनी शक्ति का प्रचार करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का जो विवाह था वो कन्नौज के भोजराज, कन्नौज के प्रतिहार शासक भोजराज के साथ किया था। कौन सा शासक है? गूबक द्वितीय। ये ध्यान रखना है आपको, गूबक प्रथम, गूबक द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। तो अब हर्षनाथ मंदिर का निर्माण में गूबक प्रथम भी ऑप्शन हो सकता है, गूबक द्वितीय भी आ सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या करना है आपको? गूबक प्रथम ही करना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो शासक हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट शासक और कई बार प्रश्न उनसे पूछा जाता है। तो हम देखें गूबक द्वितीय के बाद में यहां चंदन राज, कौन शासक हुआ? चंदन राज चौहान यहां के शासक हुए, गूबक द्वितीय के पुत्र थे,
चंदन राज। अब चंदन राज के बारे में यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंदन राज ये जो था, चंदन राज ने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक रुद्र, दिल्ली, अब ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के तोमर वंशीय शासक था रुद्र, कौन था रुद्र, इस रुद्र पर आक्रमण किया था। चंदन राज जो सामर का चौहान शासक था, सामर के चौहान शासक चंदन राज ने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक या तोमर शासक रुद्र पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। रुद्र पर आक्रमण करके उसे क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और इसने यानी कि अब एक प्रश्न आपको बनता है कि दिल्ली व सामर, ध्यान देना दोस्तों कि दिल्ली, दिल्ली का शासक कौन है रुद्र, सामर का शासक कौन है चंदन राज। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली व सामर के मध्य संघर्ष की शुरुआत, संघर्ष का प्रारंभ, ध्यान रखना है कि दिल्ली व सामर के मध्य संघर्ष का प्रारंभ जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है, चंदन राज के शासनकाल में। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि दिल्ली व सामर के मध्य संघर्ष की शुरुआत किसके समय से प्रारंभ हुआ था, चंदन राज के। अब दोस्तों ये जो चंदन राज था, इस चंदन राज की एक पत्नी थी जिसका नाम है रुद्राणी, क्या नाम था, पत्नी, चंदन राज की पत्नी, और चंदन राज की पत्नी का नाम था दोस्तों रुद्राणी, इसे आत्मप्रभा नाम भी दिया गया था, रुद्राणी या आत्मप्रभा, ध्यान रखना है कि रुद्राणी आत्मप्रभा नाम था, किसकी पत्नी है चंदन राज की। ये यौगिक क्रिया में निपुण थी और अपने समय की एक महान शिव भक्त मानी जाती थी, कि यौगिक क्रिया में निपुण थी और अपने समय की महान शिव भक्त मानी जाती थी, कौन, रुद्राणी। और इनके बारे में, आत्मप्रभा या रुद्राणी, इनके बारे में बताया जाता है कि ये जो रुद्राणी या आत्मप्रभा थी दोस्तों, ये आत्मप्रभा महान शिव भक्त थी और पुष्कर के शिव मंदिर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना कि पुष्कर के शिव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी, ठीक है, कि किसकी पत्नी थी जो भगवान शिव के मंदिर में पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपकों जलाती थी, वो पत्नी थी रुद्राणी आत्मप्रभा, और किसकी पत्नी थी साथियों, चंदन राज की। तो चंदन राज इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न तीन प्रश्न इससे बन जाते हैं कि दिल्ली और सामर के मध्य की शुरुआत जो हुई है वो किसके समय से हुई है, चंदन राज के से, रुद्राणी आत्मप्रभा से प्रश्न बन जाता है किसकी पत्नी थी और पुष्कर में प्रतिदिन शिव के समक्ष 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अन्य शासकों के बारे में हम देखें, चंदन राज के बाद अगला कौन सा शासक हुआ, तो देखें यहाँ चंदन राज के बाद बागपति राज प्रथम, छोटा सा शासक है बागपति राज प्रथम, जिसे हम बप्पू राज के नाम से भी जानते हैं। देखें अगला शासक, अगला शासक कौन हुआ, बागपति राज। ये छोटे छोटे से शासक हैं लेकिन दोस्तों इनसे प्रश्न पूछा जाता है, बागपति राज प्रथम, बागपति राज प्रथम को बप्पू राज के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, बप्पू राज, बागपति राज या बप्पू राज के नाम से भी जाना जाता है। चंदन राज के ये पुत्र माने जाते हैं और ये जो बागपति राज प्रथम है, बागपति राज प्रथम को पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस बागपति राज या बप्पू राज को 188 युद्धों का विजेता माना जाता है, 188 युद्धों का विजेता। ध्यान रखना है कि वह चौहान शासक जिसे पृथ्वीराज विजय के अनुसार 188 युद्धों का विजेता माना जाता है, वो चौहान शासक कौन है, बागपतिराज प्रथम है। दोस्तों बागपतिराज प्रथम या बप्पराज के बाद यहाँ का जो शासक बना वो था सिंहराज चौहान, कौन बना, सिंहराज चौहान। छोटे छोटे शासक हैं ये लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिंहराज चौहान, सिंहराज चौहान किनके पुत्र थे, सिंहराज चौहान बागपतिराज या बप्पराज के यानी कि पुत्र माने जाते हैं। सिंहराज चौहान ने दिल्ली के तोमर, ध्यान रखना है दोस्तों कि दिल्ली के तोमर वंशीय शासक, ठीक है, कि दिल्ली के तोमर और प्रतिहार जो थे, कि दिल्ली के तोमर और गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहारों को परास्त किया था, ठीक है,
कि वह चौहान शासक जिसने दिल्ली के तोमर और प्रतिहारों को परास्त किया, तो तोमर और प्रतिहारों को परास्त करके इस सिंह राज चौहान ने प्रतिहारों से, अब तक मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस वासुदेव चौहान के बाद से ही, ये समय से ही ये जो चौहान शासक थे ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे या इनसे टच में रहे थे, लेकिन सिंहराज चौहान ने स्वयं को प्रतिहारों से अलग कर लिया। ध्यान रखना है, प्रतिहारों से अलग किया और स्वयं को प्रतिहारों से अलग करके स्वाम सामर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना है कि वह चौहान शासक जिसने स्वयं को प्रतिहारों से अलग कर सामर में एक स्वतंत्र चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी, वो दोस्तों शासक हैं। चौहान शासक कौन? सिंहराज चौहान माने जाते हैं। अब देखो, सिंहराज चौहान ने किनको परास्त किया था? दिल्ली के तोमर और प्रतिहार शासकों को। लेकिन बाद में इस सिंहराज चौहान की जो हत्या की गई थी, सिंहराज चौहान की हत्या तोमर वंशीय शासक दिल्ली के और प्रतिहार, तोमर और गुर्जर प्रतिहारों ने मिलकर की थी। तो इन दोनों ने मिलकर सिंहराज चौहान की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पेन कॉपी लेके रहें और साथ साथ यानी अपने नोट्स बनाते रहें, या फिर नोट्स जो हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से भी उनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंहराज चौहान के बाद अगर हम बात करें यहां दोस्तों, तो अगला एक शासक हुआ था विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, अब विग्रहराज द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं, तो विग्रहराज द्वितीय सिंहराज चौहान का पुत्र था। और ये जो विग्रहराज द्वितीय है दोस्तों, ये सिंहराज चौहान का पुत्र है और इसने आनिलवाड़ा का एक शासक था, आनिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को परास्त किया था। ठीक है, कि आनिलवाड़ा के शासक कौन थे? चालुक्य शासक थे मूलराज प्रथम, और आनिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को परास्त किया था और भड़ोच में आशापुरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना है, आशापुरी माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया, भड़ोच गुजरात में पड़ता है, और उसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? विग्रहराज द्वितीय ने करवाया। इसके बाद दोस्तों अगला यहां पर शासक हुआ था बागपतिराज द्वितीय। ये बागपतिराज प्रथम यहां पर हो गया, बागपतिराज प्रथम के बाद अगर हम बात करें तो बागपतिराज द्वितीय देखेंगे, यहां बागपतिराज द्वितीय, बागपति राज द्वितीय जो शासक हुए थे, उन्होंने मेवाड़ के एक शासक था अंबा प्रसाद, ठीक है, कि बागपति राज ये प्रथम है, तो यहां पे आ गया द्वितीय। ठीक है, बागपति राज द्वितीय ने मेवाड़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है साथियों, मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद बागपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को परास्त कर दिया। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो प्रश्न क्या बनता है वो देखना है कि बागपति राज जो है, इस बागपति राज द्वितीय प्रथम नहीं करना है, बागपति राज प्रथम बप्पराज के नाम से जाना जाता है, बागपति राज द्वितीय इनका पुत्र था लक्ष्मण। ठीक है, और इनके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, और इनके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में ये सामर से निकलकर नाडोल, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बताया था वीडियो के प्रारंभ में ही, तो नाडोल की जो चौहान शाखा थी, तो नाडोल में चौहान वंश की जो नींव डाली गई है वो किसके द्वारा डाली गई है? लक्ष्मण चौहान के द्वारा डाली गई 960 ईस्वी में, जो किसके पुत्र थे? बागपति राज द्वितीय के पुत्र थे, और नाडोल में चौहान वंश की नींव डाल दी जाती है, चौहान वंश, और नाडोल में चौहान वंश की जो नींव डाली है दोस्तों वो किसके द्वारा डाली गई है? वो डाली गई है लक्ष्मण चौहान के द्वारा, और ये नाडोल की जो चौहान शाखा है ये राजस्थान में चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। अब दोस्तों बागपति राज द्वितीय के बाद यहां पर शासक हुए थे दुर्लभ राज द्वितीय। देखें यहां,
अब दुर्लभ राजद्वितीय हुए। अब दुर्लभ राजद्वितीय से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि दुर्लभ राजद्वितीय से पहले और भी छोटे मोटे जैसे शासक हुए थे, एक वीर राम शासक हुए थे, उनके समय में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था और आक्रमण किया था, उसके बाद में यहाँ अगले शासक हुए हैं दुर्लभराज चौहान। और दुर्लभराज चौहान के समय में ध्यान रखना है दोस्तों कि महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया भारत पर, तो महमूद गजनबी के विरुद्ध जो हिंदू शासक थे उन्होंने महमूद गजनबी के विरुद्ध में एक संघ की स्थापना की थी और वो संघ बनाया था और संघ का नाम रखा था दोस्तों हिंदू संघ। तो ये ध्यान रखना है दुर्लभ राज चौहान जो शासक हैं द्वितीय, कि दुर्लभ राज द्वितीय जो थे इन्होंने महमूद गजनबी, ये ध्यान रखना है कि महमूद गजनबी के विरुद्ध बनाए गए हिंदू संघ में भाग लिया था। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि वह चौहान शासक जिसने महमूद गजनबी के विरुद्ध बनाए गए हिंदू संघ में भाग लिया था, तो वह चौहान शासक कौन है? दुर्लभराज द्वितीय है। क्लियर हुआ यहां तक दोस्तों? किसी को कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, जिससे कि आपकी उस समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक है, अब दुर्लभराज चौहान के बाद दोस्तों हम अगले चौहान शासक, सामर के चौहान शासक के बारे में चर्चा करें। तो यहां पर अगले चौहान शासक आ जाते हैं पृथ्वीराज प्रथम। कौन आ जाते हैं? पृथ्वीराज प्रथम। देखें इसके बाद पृथ्वीराज प्रथम कहां के शासक चल रहे हैं दोस्तों? अभी सामर के। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम थे, पृथ्वीराज चौहान ने ही करने, पहली बात तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लें, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हैं। कौन है? वो पृथ्वीराज तृतीय हैं। ठीक है, अभी हम किन के बारे में चर्चा कर रहे हैं? पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हैं, ये क्लियर करना है आपको सबसे पहली बात। तो पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम कहां के शासक बने? सामर की गद्दी पर बैठे, यानी सामर के शासक थे। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पृथ्वीराज प्रथम जो है दोस्तों, इन्होंने परम भट्टारक महाराज धीराज, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। एक ग्रंथ है प्रबंध कोश। कौन सा ग्रंथ है? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश के रचयिता कौन है? तो प्रबंध कोश के रचयिता है दोस्तों राजशेखर। कौन है? राजशेखर। और प्रसिद्ध ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ प्रबंध कोश, जिसके लेखक हैं राजशेखर, इस प्रबंध कोश के अनुसार, प्रबंध कोश के अनुसार इस पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता। ठीक है, कि प्रबंध कोश के अनुसार किस सामर के किस चौहान शासक को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है? तो ध्यान रखना है प्रबंध कोश के अनुसार तुर्क सेना का विजेता कहा गया है किसको? पृथ्वीराज प्रथम को। पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1105 ईस्वी में, 1105 ईस्वी में पुष्कर पर आक्रमण करने के लिए आए 700 चालुक्यों की हत्या की थी। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि 1105 ईस्वी में पुष्कर पर आक्रमण करने के लिए आए 700 चालुक्यों की जो हत्या की थी, हत्या करने वाला शासक कौन है? पृथ्वीराज प्रथम माना जाता है। इस पृथ्वीराज प्रथम के बारे में दोस्तों जो विस्तृत जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज प्रथम, चौहान तो तृतीय होगा, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में जो विस्तृत जानकारी हमें मिलती है वो विस्तृत जानकारी 1105 ईस्वी के जीण माता शिलालेख में मिलती है। ये ध्यान रखना है कि जीण माता शिलालेख, जो जीण माता मंदिर सीकर में ही लगा हुआ है, तो जीण माता शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है कौन से शासक के बारे में? पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। ये दोस्तों अब यहाँ के बाद की कंडीशन आज हमें और देखनी है थोड़ी सी। तो अब यहाँ ध्यान दें कि मैंने आप यहाँ तक, यानी वासुदेव चौहान से लेकर
पृथ्वीराज प्रथम तक जो शासक बताए वो कहाँ के शासक बताए हैं? शामर के शासक। सामर के शासक बता दिए, छोटे बड़े जितने भी जो शासक थे, एक एक दो दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो सामर के शासकों के बारे में बता दिया गया। लेकिन अब ध्यान दें, इन पृथ्वीराज प्रथम का जो पुत्र हुआ, ध्यान देना है कि पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र और इनके पुत्र हुए थे दोस्तों अजयराज चौहान। कौन हुए? अजयराज चौहान। देखना यहां तो अजयराज चौहान किसके पुत्र हैं? अजयराज चौहान, ठीक है। अजयराज चौहान के पिता का नाम, सीधी सी बात है, पिता का नाम क्या हो गया? पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है ना, पृथ्वीराज प्रथम। अब पृथ्वीराज प्रथम की मृत्यु के बाद, ये पृथ्वीराज प्रथम के बाद में सामर की गद्दी पर अजयराज चौहान बैठे, और अजयराज चौहान बैठे सामर की गद्दी पर 1109 ईस्वी में। कब बैठे हैं? 1109 से लेकर 1133 ईस्वी तक किसका शासनकाल है दोस्तों? अजयराज चौहान का, ठीक है। अब यहाँ छोटी सी बात, एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने अभी 960 ईस्वी में नाडोल की शाखा बताई लक्ष्मण चौहान के द्वारा, ठीक है। अब वहां पर हमें ध्यान रखना है कि अजयराज चौहान 1109 में कहां की गद्दी पर बैठे हैं? सामर की गद्दी पर। लेकिन जब अजयराज चौहान सामर के शासक बने तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और अपने मूल राज्य, यानी मूल राज्य वही सपातलक क्षेत्र सामर है, तो अपने मूल राज्य की सुरक्षा और मूल राज्य का विस्तार करने के लिए अजयराज चौहान 1109 ईस्वी में सामर से बाहर निकले, और सामर से बाहर निकलने के बाद 1113 ईस्वी में इस अजयराज चौहान ने सामर से बाहर निकलकर अरावली पर्वतमाला के मध्य में अजमेर नगर की स्थापना कर दी थी। कहाँ की स्थापना कर दी? अजमेर नगर की स्थापना कर दी, अजमेर के किले का निर्माण करवा दिया और अजमेर में चौहान शाखा की नींव डाल दी। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो अजमेर में कौन सा वंश प्रारंभ हुआ? चौहान वंश। तो अब तक हमने पढ़ा सांभर के चौहान, चौहान वंश का हमने साम्राज्य पढ़ा है पूरा, ठीक है। उसमें हमने चौहान वंश की उत्पत्ति से लेकर उसकी शाखाओं के विस्तार तक हमने किया। तो पहली शाखा नाडोल में चली गई, और वहां के बाद में अब दूसरी जो शाखा है दोस्तों 1113 ईस्वी में, वो कहाँ आ गई? अजमेर में। तो अब हम आगे अध्ययन करेंगे चौहान वंश अजमेर, कहाँ के चौहान? अजमेर। तो अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान के पिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम जो है ये चौहान सामर वंश, सामर के चौहानों के अंतिम शासक। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अजमेर के चौहानों के बारे में, और अजमेर के चौहानों के बारे में तो अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक अजयराज चौहान को पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे हम नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, सामर के चौहान कंप्लीट हो गए, अब हम अजमेर के चौहान और अन्य शाखाओं के बारे में अलग अलग वीडियो में अध्ययन करते रहेंगे। वो मिलते हैं नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ने को अगर मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।